हरियाणा चुनाव में ओबीसी आरक्षण का स्वरूप और परिणाम की जांच कर रहे समर्पित आयोग ने आज कोंकण भवन में बैठक की और राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की राय जानी। इस अवसर पर समर्पित आयोग के अध्यक्ष जयंत कुमार बांटिया ने विविध दलों और संगठनों के प्रतिनिधियों से निवेदन भी स्वीकार किया। देखिए रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण की जांच के लिए गठित समर्पित आयोग ने पिछड़ा वर्ग से जुड़े आरक्षण के स्वरूप और उसके परिणामों की जांच पड़ताल तेज कर दी है। आज समर्पित आयोग के अध्यक्ष जयंत कुमार बांटिया ने महेश झगड़े समेत तमाम उच्च अधिकारियों के साथ कोंकण भवन मुख्यालय बेलापुर में बैठक की, जहां तमाम राजनीतिक दलों और ओबीसी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका और दलील प्रस्तुत की। इस अवसर पर मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर जिले के साथ ही नई मुंबई एवं पनवेल क्षेत्र के ओबीसी संगठन और अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने आयोग को निवेदन देते हुए ओबीसी आरक्षण को सामाजिक उत्थान और राजनीतिक भागीदारी के लिए बनाए रखने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।